सबसे पहले बात उन रेसलर्स की जो इंसाफ की आस में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल जिस तरीके से पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन किया और जिस तरीके से उन पर पुलिसिया कार्रवाई हुई है, वो चर्चा का विषय बन चुकी है। दिल्ली पुलिस ने रेसलर्स को जंतर मंतर पर धरना करने से मना कर दिया है और कहा है कि अगर रेसलर्स कहीं और प्रदर्शन करना चाहें तो पुलिस की इजाजत लेकर अपना प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। जबकि पहलवान बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे रेसलर्स अभी भी अड़े हुए हैं। जिस वक्त रायसीना की पहाड़ियों पर बनी देश की सबसे भव्य इमारत को पाने का उत्कर्ष आसमान पर था, ठीक उसी वक्त उसी संसद से चंद कदम की दूरी पर हमारे देश के लिए मेडल लाने वाले पहलवान घसीटे जा रहे थे। ये उस रंग को रास्ते पर लाने की कोशिशों का नतीजा है जिसे खाकी कहते हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन की गर्दन जब इंतजार की तलवार से नहीं कटी तो दिल्ली पुलिस के कारिंदों को बल प्रयोग के शरण में जाना पड़ा। किसी भी शख्स को फिलहाल जंतर मंतर और उसके आसपास एरिया में जाने की इजाजत जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से बैरिगेटिंग जो है वो की गई है। सिर्फ मीडिया को भी इस बैरिगेटिंग तक ही जाने की इजाजत जो है वो दी गई है, क्योंकि जहां पर ये धरना चल रहा था वहां से टेंट तंबू सबको जो है वो हटा दिया गया। कल दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तरीके से पूरे एरिया को साफ कर दिया गया है। हालांकि पहलवानों का कहना है कि वो अपनी मांग जो है अपनी बात जो है वो संसद तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने उनके इस पूरे आंदोलन को खत्म किया वो बेहद शर्मनाक है। पहलवानों ने साफ तौर पर कहा है कि उनका धरना फिलहाल अभी खत्म नहीं हुआ है। देश की संसद की दीवारें देखती रहीं सरेराह पुलिसिया बूटों के साए में पुलिसिया ताकत से बिछाए जा रहे खिलाड़ियों को। दिल्ली पुलिस को दी हुई ये चोट लोक के तंत्र पर थी या एक गुस्ताख सोच पर, लेकिन सिपाहियों के साहब बहुत गुस्से में थे। कल का दिन एक बहुत ही देश के लिए महत्वपूर्ण दिन था, उसका समय भी और दिन भी। ये रसलर्स ने वैसा चूज किया अपनी प्रोटेस्ट के लिए जो हम बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते थे, लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ सिक्योरिटी इश्यूज के कारण भी। लेकिन ये लोग अडिग रहे, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। तो जब इन्होंने अपना मार्च शुरू किया तब इनको कहा गया कि आप नहीं कर सकते, उनको डिटेन के लिए कहा, लेकिन इन्होंने बहुत रिजिस्ट किया, जैसा कि आप लोगों ने भी वहां कवर किया है। ये लोग काफी लड़ाई कर रहे थे, काफी गुत्थम गुत्था हो रहे थे हमारी वुमेन पुलिस के साथ भी। तो जितनी भी वुमेन रेसलर्स हैं उनको हमारी महिला पुलिस ने ही डिटेन किया, बहुत मुश्किल से किया क्योंकि बहुत ज्यादा रिजिस्ट कर रहे थे, और उसके बाद फिर शाम तक हमने इनको छोड़ भी दिया। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, वो अत्याचार की सबसे निर्मम गवाही होती है जिनसे कोई नहीं कतरा सकता। जैसे पैदल मार्च हमने शुरू किया तो जंतर मंतर से 10 कदम से ही बैरिगेटिंग स्टार्ट थी, तो हमने बोला कि हमें जाने दो क्योंकि हमारी सुनवाई वैसे भी नहीं हो रही। तो हम पैदल पैदल चल रहे थे तो उन्होंने आगे से पुशिंग स्टार्ट कर दी कि नहीं आगे जाने देंगे। पुशिंग में फिर ऐसे ही उन्होंने जबरदस्ती हमें डिटेन करने की कोशिश की। हमने भी थोड़ा सा रोकने की कोशिश की कि हमें मत लेके जाओ, हम शांतिपूर्वक मार्च करेंगे, हमारी बात तो सुनो, हम कोई हिंसा नहीं कर रहे, हम किसी को मार भी नहीं रहे, बस जबरदस्ती घसीटा उसमें ये थोड़ा बहुत खरोच और ये जो भी आई, फिर उन्होंने डिटेन करके बस में ले गए। क्या इस गवाही से कतराया जा सकता है? संसद के साए से उठी हुई आवाजें संविधान की चौहद्दी से होती हुई इस लोकतंत्र के संसार तक फैल गई थी। पता नहीं कौन बेकाबू हो उठा था, प्रदर्शनकारी या पुलिस, लेकिन सड़क पर बवाल मचा था। फोटोज और वीडियोज होंगे सब, हम एक बंदा और इतना सारा फोर्स, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रहे थे, अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि मत बस में चढ़ाओ, मत करो डिटेन। इतने सारे के साथ हम हाथापाई नहीं कर सकते, ये तो देखने वाली बात। और फोटोज और वीडियोज आपको मिल जाएंगे कि हमारी कैसी हालत बनाई हुई है। जब 20-30 एक साथ हमारे को लगेंगे तो हम कैसे दंगा फसाद कर सकते? हम तो कोई दंगा फसाद नहीं कर सकते, और ना ही ऐसी कोई वीडियो की हमने उनका कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करने की कोशिश किया। एक भी वो वीडियो नहीं है कि हमने कहीं बैरिगेटिंग पुल की हो। दिल्ली की पुलिस कहती है कि ये अराजकता है, अब जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे, और कहीं और करेंगे तो पहले इजाजत लेंगे। देखिए, अगर वह दोबारा प्रोटेस्ट पर बैठना चाहते हैं तो जंतर मंतर पर तो नहीं, लेकिन किसी और स्थान पर अगर ये करना चाहेंगे तो उसकी परमिशन के ऊपर विचार किया जाएगा। एक इम्तिहान पास करके बदन पर खाकी पहन लेना
क्या किसी को इतना ताकतवर बना सकता है कि दुनिया भर से सोना चांदी और कांसा जीत कर लाने वाली बेटियों से अभद्रता की जाए। भाजपा का नारा एक्सपोज हुआ ना इस बात पे, जो बेटियों का साथ देने की बात करते थे, बेटियों के सम्मान की बात करते थे, आपने देख लिया क्या सम्मान किया भारतीय जनता पार्टी ने। ये केवल दिखावटी नारे थे भारतीय जनता पार्टी के, और दिखावटी नारे इसलिए थे कि उन्हें वोट चाहिए था, वोट मिल गया उसके बाद अपमानित करेंगे आप। सरकार कहती है कि देश के लिए इतना बड़ा दिन था, रेसलर्स को भी समझना चाहिए था। कुछ दिन पहले कैंडल मार्च भी हुआ, अनुमति मिली तो हुआ, आप धरने पर थे तब भी हुआ, किसी ने नहीं रोका, कभी भी नहीं रोका। सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली पुलिस ने कहा एफआईआर जाहिर करते हैं, एफआईआर दर्ज की जांच चल रही है, सबको अपने बयान दर्ज कराने चाहिए और जांच पूरी होगी तो उचित कार्रवाई भी होगी। सच है कि बड़ा दिन था, यह भी सच है कि राजनीति रास्तों से चलकर नई मंजिलों की ओर ही बढ़ती है, लेकिन मंजिलों से पहले के नजारों ने पहलवानों के मन में एक अविश्वास भर दिया है। इसी अविश्वास के खिलाफ जंग है और जंग जारी है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब से लेकर दिल्ली तक सियासत अध्यादेश पर भी सुलगी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अध्यादेश पर विपक्ष का साथ चाहते हैं, मगर केजरीवाल का साथ देने को लेकर कांग्रेस में दो फाड़ है। पंजाब और दिल्ली के कांग्रेस नेता नहीं चाहते हैं कि केजरीवाल का समर्थन किया जाए। अब गेंद कांग्रेस के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे के पाले में है। सवाल ये भी है कि अगर कांग्रेस केजरीवाल का समर्थन नहीं करती तो फिर 12 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक में कौन कौन हिस्सा लेगा। दिल्ली में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेसी नेताओं को आलाकमान का आदेश क्या होगा, ये तो बाद में तय होगा, लेकिन पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ दोनों राज्यों के नेताओं की मुलाकात ने इस सवाल को और पेचीदा कर दिया है, क्योंकि बैठक में दोनों ही राज्यों के कांग्रेसी नेताओं ने केजरीवाल का समर्थन न करने की अपील की है। इन नेताओं का कहना है कि राजनीतिक तौर पर केजरीवाल पर भरोसा सही नहीं, लिहाजा अध्यादेश के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का साथ देना भी उचित नहीं। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि विचारिक मतभेद जहां हो वहां अलायंस नहीं होती। गुरु, दिल्ली और पंजाब वो दो सूबे हैं जहां आम आदमी पार्टी सत्ता में है और दोनों ही जगह कांग्रेस को हराकर वो शीर्ष पर पहुंची है, लिहाजा दोनों ही राज्यों के कांग्रेसी नेता आम आदमी पार्टी से दूरी का सुझाव दे रहे हैं। देखो, मेरा साफ तौर मानना कि आप और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप इज अ बी टीम, आरएसएस की ये सोच है कि अगर जो रूलिंग क्लास है वो हमारे हाथ में है तो ऑपोजिशन की स्पेस भी हमारे हाथ में होनी चाहिए, ये मैं आपको क्लियरली बताऊं। अरविंद केजरीवाल कंप्लीटली इंडोर्सेस द व्यू पॉइंट ऑफ द आरएसएस, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेसी नेताओं का रुख ऐसा ही रहता है तो विपक्षी एकता की कवायद का क्या होगा, क्योंकि 12 जून को पटना में विपक्ष की बड़ी मोर्चाबंदी की तैयारी है। कांग्रेस ने भी इस बैठक के लिए हामी भर दी है। ममता बनर्जी जैसी नेता नीतीश कुमार से मोर्चे की अगुवाई की अपील कर रही है, तो जेडीयू नेता इस बैठक को विपक्षी एकता पर मुहर के तौर पर देख रहे हैं। हम समझते हैं विपक्षी एकता के लिए जो एफर्ट नीतीश जी ने किया है वो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। अध्यादेश के खिलाफ तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे केजरीवाल अब तक मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से नहीं मिल सके हैं। माना जा रहा था कि नीतीश कुमार की पहल के बाद दोनों दलों के नेताओं की बैठक पर सहमति भी बनी, लेकिन दिल्ली पंजाब के कांग्रेसी नेताओं के रवैये से नई चुनौती खड़ी हो गई है। विपक्ष के इस खींचतान पर बीजेपी की भी नजर है। बीजेपी विपक्षी एकता के दावों को बेकार बता रही है, विपक्षी एकता की कोशिशों पर सवाल उठा रही है। नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ, अपोजिशन यूनिटी है कहाँ? तो उन्होंने कहा सारे अपोजिशन वाले नहीं आएंगे, बहुत से अपोजिशन पार्टियां आई उस फंक्शन में और इतना शानदार फंक्शन हुआ। उसके बाद भी वो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो अच्छे काम हुए हैं वो भी उनको पसंद नहीं आ रहे हैं, ये तो ठीक स्थिति नहीं।
उधर नीतीश कुमार पर बिहार के विपक्षी नेताओं का हमला बढ़ता जा रहा है। कोई उन्हें जेपी की याद दिला रहा है तो कोई अब भी बीजेपी के खेमे का ही बता रहा है। पहले तो नीतीश बाबू 12 जून के साथ साथ 25 जून का आह्वान करें कि उस दिन प्रायश्चित करेंगे गंगा का बालू, गाय का गोबर और गंगा जल से, कि जिस नीतीश कुमार 74 के आंदोलन के उपज रहे और आपातकाल में जयप्रकाश के नेतृत्व में निकल के आए और आज वही कांग्रेस के साये में घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार महागठबंधन में जरूर हैं बिहार में, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ अपने चैनल बंद नहीं किए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हरिवंश जी जो राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के पद पर बने हुए हैं, वो जदयू के एमपी हैं, और जब भाजपा को नीतीश कुमार जी ने छोड़ा, उस गठबंधन से बाहर आए, तो उन्होंने अभी तक ना हरिवंश जी ने उस पद से इस्तीफा दिया है, ना पार्टी ने उनको इस्तीफा देने के लिए कहा है, ना पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई करी है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ जिस तरह और दलों ने केजरीवाल के समर्थन का ऐलान किया, वैसा फैसला कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। अगर कांग्रेस अध्यादेश के खिलाफ आवाज उठाने से पीछे हटेगी तो विपक्षी एकता के दावों पर भी ये बड़ी चोट होगी। राहुल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। अब रुक करेंगे कुछ और खबरों का। पंजाब में गर्मी और बिजली की खपत को देखते हुए मान सरकार ने सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग को बदल दिया है, लेकिन क्या सरकारी कर्मचारी नए टाइम टेबल के हिसाब से ऑफिस पहुंच रहे हैं या नहीं? क्या जनता को सरकार के इस फैसले से राहत मिल पा रही है या नहीं, ये जानने के लिए आज तक संवाददाता शहर शहर अलग अलग सरकारी दफ्तरों में पहुंचे। सरकार के दावों की पड़ताल करने वाली हमारी इस खास रिपोर्ट को जरूर ध्यान से देखिए। साढ़े 7 बजे सवेरे पंजाब के सारे सरकारी दफ्तर खुलेंगे। पंजाब सरकार ने मई के महीने में जन सहूलियतों को ध्यान में रखकर सरकारी ऑफिसों के टाइम टेबल में बदलाव तो कर दिया, पर क्या सरकार के इस फैसले से लोगों को राहत मिली? क्या सरकारी कर्मचारी नए टाइम टेबल के हिसाब से ऑफिस आ रहे हैं? इन तमाम सवालों की पड़ताल के लिए आज तक संवाददाता पंजाब के अलग अलग शहरों में ग्राउंड जीरो पर गए। सबसे पहले आपको भटिंडा का रियलिटी चेक दिखाते हैं। भटिंडा जनसंपर्क विभाग में सुबह 7:30 बजे के बाद भी कई कमरों पर ताले लटके थे और सरकारी दफ्तर के जो कमरे खुले थे वो खाली पड़े थे। हाँ जी सर, नहीं आए उनकी करता। हाँ जी, हाँ जी, नहीं आई है सर। आई नहीं है तक? नहीं। क्यों? पता नहीं जी सर, मैं तो उन 2 महीने हुए लगे ना। करीब आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद भी हालात जस के तस थे। सरकारी दफ्तर में ना तो कोई कर्मचारी था और ना ही कोई अधिकारी। कुछ ऐसी ही तस्वीरें एसडीएम ऑफिस आबकारी विभाग में भी देखने को मिली। देखो जी, वैसे तो सारे एम्प्लॉइज रेगुलरली आ रहे हैं, साढ़े थे बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सिस्टम है, फिर भी जो साढ़े को ध्यान चाहता है कि किसी ऑफिस एम्प्लॉइज लेट आ रहे हैं तो असी निजमता कार्रवाई करेंगे, उन्होंने तो इंश्योर करेंगे कि वो रेगुलरली टाइम दे। उधर संगरूर में बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ खुद बिजली विभाग के ऑफिस का जायजा लेने पहुंच गए। इस दौरान मंत्री जी ने सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं से जुड़े समाधान के लिए अधिकारियों को तुरंत दिशा निर्देश दिए। नहीं, गैर हाजिरी कोई नहीं है, सारे मुलाजम जड़े ने हाजिर ने। एक्चुअली साडा दिस इज रूटीन विजिट ते साडे झोने का सीजन आ रहा अगे। मान साहब की सरकार जी निर्विघन सप्लाई देने वास्ते वचनबद्ध है, सो इस करके असं सारे दफ्तर होर एक्टिव करने वास्ते जरा है ये विजिट की। वहीं अमृतसर में रियलिटी चेक के दौरान हैरान करने वाली तस्वीरें देखने को मिली। ज्यादातर ऑफिस में कुर्सियां खाली नजर आईं और लाइट पंखे चलते नजर आए, जबकि सीएम मान ने समय में बदलाव करने के साथ ये भी कहा था कि इस फैसले से पंजाब में बिजली की खपत पर काफी फर्क पड़ेगा और फिजूल खर्ची बचेगी। पर अमृतसर के सरकारी दफ्तर की तस्वीरें तो कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। 327 नंबर कमरा जरा लेबर डिपार्टमेंट का है, सो लेबर डिपार्टमेंट दे
कमरा जरूर इत्थे आ लेकिन कुर्सी खाली पई है क्योंकि सरकार दा टाइम जरा 7:30 तो लैके 2 बजे तक दा निर्धारित किया गया है लेकिन इस जगह पे तुहानू कोई भी नज़र नहीं आएगा। करीब 1 घंटा 5 मिनट वध हो चुके हैं लेकिन कुर्सी हले तक खाली है। इस दे नाल ही इस दे सामने ही 329 नंबर कमरा तस्वीरां तुसी देख सकते हो। 329 नंबर कमरा डिपार्टमेंट भी असी जानने की कोशिश करांगे डिपार्टमेंट की है केड़ा वा। सो इस जगह पे भी कुर्सी खाली पई है, पखे चलते पे है, तो लाइट्स भी चल रही हैं, तो बिजली इस जगह पे भी वेस्ट सरकार दी होंदी जरूर नज़र आ रही है। मोहाली में रियलिटी चेक के दौरान सरकारी कर्मचारी नए टाइम टेबल के हिसाब से काम करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि मान सरकार के नए फैसले के बाद पंजाब में सरकारी दफ्तर सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुलते हैं। साथ ही पहले जहां कर्मचारियों को 9 घंटे तक काम करना पड़ता था, वहीं अब करीब 6.5 घंटे ही काम करना पड़ता है। अब इतनी सहूलियत के बाद भी अगर कर्मचारी समय पर ऑफिस ना पहुंचे तो उन पर गाज गिरना स्वाभाविक है। भटिंडा से कुणाल बंसल, संगरूर से बलवंत सिंह विक्की, अमृतसर से अमित शर्मा और मोहाली से अभिषेक मनरो के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब में दिन ब दिन बढ़ रही बेअदबी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सीएम मान ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। बेअदबी पर सख्त कानून बनाने की मांग की गई है। साथ ही बेअदबी के दोषियों की सजा उम्र कैद कराने को लेकर लंबित बिलों की राष्ट्रपति से मंजूरी दिलाने की भी अपील की गई है। पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी एक बड़ा मुद्दा है और इस संबंध में पंजाब विधानसभा से 2 बिल साल 2018 में पास किए गए थे जिनमें कड़ी सजा का प्रावधान है। ये दोनों ही बिल पिछले 5 सालों से राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं और अब सीएम मान ने एक बार फिर से इस बिल को लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी।